all you awesome bossy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. So I'm back again with a story time video because you guys love watching this video and I love making it for you all. So aaj main aapko ek aur gatha sunane wali hoon, dukhad gatha rather, and what happened to me once upon a time. It is related to flying, as in like when I was flying as a passenger and how I got offloaded and what happened after that. So if you guys are interested, keep watching the video, grab a snack, because as always it's a story time video, so it is going to be very long. So yeah, that is all about the video. Also, before we get started, I would like to talk about this. Can you see it? So this is a product which is sent to me by Mama Earth. It's their vitamin C 100% natural lip kit. It got lip scrub and lip mask. So it's 2-in-1. All Mama Earth products are free from harmful chemicals and all natural. Every time you buy from Mama Earth, they will link your order on the website to a tree that they plant. The exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you. And especially the lip mask, it is beautiful. Like you can use it like if you don't want to wear a lipstick, but if you want that tint, that color, a little bit of natural tint color on your lips, then you can try this definitely. So scrub your lips nicely and apply this mask on top of it and you will love it. Ab aap kahenge kahan milega mujhe ye product. So Mama Earth products are available on Amazon, Nykaa and Purple. Mama Earth has also launched their official website where users can get early access to sales and extra discount. Also, you can use my coupon code NIRU2022 to get 20% discount at mamaearth.in. Now let's get started with the video. So ye baat hai un dino ki when I was working as a cabin crew with Jet Airways. And maine chutti apply ki thi 4 dino ki aur mujhe mil gayi. And I was very happy. बहुत बड़ी बात है फ्लाइंग में छुट्टी मिल जाना. अगर कोई फेलो क्रू ये देख रहा है वीडियो तो दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट या आई गॉट द छुट्टी एंड आई वाज प्लानिंग टू विजिट माय हस्बैंड हु वाज देन इन असम. ठीक है, तो वहां पे थे. मैंने कहा चलो ठीक है, छुट्टी मिल गई, हम मिलके आ जाएंगे. फ्लाइंग में वैसे भी ज्यादा अगर आप बाय रोड जाएं या बाय ट्रेन जाएं तो बहुत टाइम लगता है, 2 दिन तो ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं. बट फ्लाइंग का फायदा यही है कि अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो बहुत कम समय में आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो. सो वही मेरा आइडिया था. एंड एज आई वॉज वर्किंग विद एन एयरलाइन सो आई गेट डिस्काउंटेड टिकट. ठीक है, उसी एयरलाइन की. सो वी हैड फ्लाइट्स फॉर डिब्रूगढ़ मतलब असम में डिब्रूगढ़ में मुझे जाना था. सो वहां के लिए फ्लाइट्स थी बट डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं थी. इट वॉज आइदर बाई कैलकटा और गुवाहाटी. तो ये दो कनेक्शंस थे, इसके थ्रू मैं डिब्रूगढ़ पहुंच सकती थी. और दिन की एक ही फ्लाइट होती थी. ये भी एक चक्कर था कि दिन की आपकी एक ही फ्लाइट होगी. सो आई वाज लाइक ओ गॉड. फिर भी मैंने रिस्क लिया. अब आप कहेंगे इसमें रिस्क की बात क्या है. सो एज यू ऑल नो, आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा ये चीज कि क्रू को, कैबिन क्रू को डिस्काउंटेड टिकट्स मिलती हैं, रादर फ्री टिकट्स मिलती हैं. तो इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता है. इट इज डिस्काउंटेड. वी हैव टू पे द टैक्स, एयरपोर्ट टैक्स. ठीक है, भले कंपनी आपसे चार्ज नहीं करेगी, पर जो एयरपोर्ट टैक्स होगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा. सो दैट मच यू हैव टू पे. ओके, रिस्क की बात तब आ जाती है बिकॉज इसमें एक और कंडीशन जुड़ जाती है जो कि ये है कि अगर फ्लाइट में जगह हुई तो ही आपको जाने को मिलेगा. तो अगर आप एसटी में, जो कि स्टाफ ट्रैवल होता था हमारे लिए सबके लिए, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो कैबिन क्रू हो, सो इट वॉज फॉर एवरीवन. तो अगर आपने एसटी अवेल कर रहे हो, टिकट ले रहे हो एसटी से, तो आपको तभी वहां पे सीट जाने को मिलेगा या सीट मिलेगी अगर सीट खाली हो. सो लेट्स से अगर 150 कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है एक एयरक्राफ्ट की और वो फुल है, मतलब 150 पैसेंजर जा रहे हैं, तो आप ऑफलोड हो जाओगे. और मान लो अगर उसमें 149 पैसेंजर है या 140 पैसेंजर है, तो देर आर स्टिल सीट्स अवेलेबल फॉर यू, सो देन यू कैन ट्रैवल. सो ये क्लॉज होता है. ठीक है, एंड अब आप सोचोगे कि अच्छा अगर मुझे ऑफलोड कर दिया तो मेरे पैसे चल जाएंगे जो मैंने पे किए, जो भी थोड़े बहुत टिकट के लिए. सो ऐसा कुछ नहीं है, वो रिफंड हो जाते हैं. बट ये थोड़ा एक रिस्क होता है व्हेन यू ट्रैवल ना. आपने पूरा प्लान कर रखा है और उसमें थोड़े चांसेस हैं कि आप ऑफलोड हो जाओ, आपको फ्लाइट में जाने ना दिया जाए. सो यू ऑलवेज प्रे, भगवान का नाम लेते हैं एंड फ्लाइट में चढ़ जाते हैं. सो व्हाट आई डिड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कल से छुट्टी स्टार्ट होने वाली थी, तो आज मैंने एक फ्लाइट ऑपरेट की और रात को 12 बजे, विच इज मिडनाइट,
तब एक फ्लाइट थी कैलकटा के लिए, एंड फिर मैंने कैलकटा से वहां से फिर आगे डिब्रूगढ़ के लिए फ्लाइट लेनी थी. सो दैट वॉज अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग. आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली नोट डाउन द टाइमिंग्स बिकॉज बहुत जरूरी है, तभी आप मेरा दर्द समझ पाएंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो नेक्स्ट डे 7 बजे की फ्लाइट थी, उसके बाद भी डिपार्चर्स थे कैलकटा के लिए, यू नो, बिटवीन दैट. बट मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो आई थॉट कि नहीं, मैं फटाफट आई विल गो बैक होम, चेंज एंड अपना बैग लेके आऊंगी जो ट्रैवल बैग होगा, और मैं 12 बजे का जो पहला डिपार्चर्स है नेक्स्ट डे के लिए, विच इज 12 o'clock एट नाइट, मैं वो फ्लाइट ले लूंगी. ठीक है, मैंने वो फ्लाइट ली. अराउंड 2 hours इट टेक्स फ्रॉम दिल्ली टू कैलकटा, तो 2 घंटे में मैं पहुंच गई. अब पहुंच तो मैं गई अराउंड 2 o'clock और समथिंग. ठीक है, रात को सुबह जो भी बोलना चाहिए, 2 a.m. नाउ 7 a.m. इज माई फ्लाइट फॉर डिब्रूगढ़. ठीक है, नाउ जो बोर्डिंग पास होता है ना, आपको तभी मिलता है जब आपको पता चल जाए कि फ्लाइट्स में सीट्स हैं, तो आपको लास्ट तक वेट करना पड़ता है. यू नो, एज एन एम्प्लॉय, इफ यू आर ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर, आई नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट्स हाउ इट इज. ओके, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर, एन एम्प्लॉय, तो यू हैव टू वेट टिल द एंड टू सी कि अच्छा कोई फ्लाइट्स में सीट खाली है कि नहीं. जब खाली होगी तो ही आपको जाने को मिलेगा, है ना. सो I had 5 hours to kill, nothing to do. तो नींद आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी, फिर ऐसे थोड़ा घूमी, थोड़ा सोई एंड टाइम पास किया अपना. फाइनली 7-ish कुछ हुआ, देन आई वेंट टू द काउंटर एंड देन आई आस्क्ड द पर्सन हु वाज सिटिंग देयर. इतनी आलसी ग्राउंड स्टाफ, एंड आई एम टेलिंग दिस बिकॉज वो बहुत आलसी थी. नॉट बिकॉज शी इज द ग्राउंड स्टाफ, दैट्स व्हाई शी इज आलसी. एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, शी वॉज वेरी आलसी. ठीक है, एंड आई हैव सीन ग्राउंड स्टाफ हेल्पिंग क्रू या पीपल हु आर ट्रैवलिंग ऑन एसटीए, दे डू हेल्प पीपल, कि दे ट्राई टू हेल्प देम आउट गेटिंग द सीट्स. ओके, बट दिस पर्सन वाज लीस्ट इंटरेस्टेड. आई टोल्ड हर दैट मैं रात को 2 बजे पहुंची हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ, और इमेजिन डिब्रूगढ़ के लिए कैलकाटा से सिर्फ एक ही डिपार्चर था जो कि सुबह 7:30 था. एंड आई टोल्ड हर आई डोंट नो एनीवन इन कैलकाटा, जो कि झूठ था, बट ऐसे कोई घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार नहीं थे मेरे कि मैं वहां जाके रहती, यू नो. एंड आई टोल्ड कि प्लीज अंडरस्टैंड, यू नो, मुझे ये फ्लाइट में जाना है, प्लीज ट्राई टू डू समथिंग. नाउ फ्लाइट फुल थी एंड एटिया जा रहा था, एटिया बहुत छोटा एयरक्राफ्ट होता है. मेरे तो गुस्सा आ रहा है, मैं सोचती ना उस बारे में, ओ गॉड, इतना. और मेरे दिल की धड़कन धक 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 ऐसे हो रही थी बिकॉज मुझे फ्लाइट में जाना था, यू नो, बिकॉज 4 दिन की छुट्टी है, समझ लो, एक दिन आप ट्रैवलिंग में नहीं निकाल सकते हो. इसलिए मैं रात को 12 बजे पिछले दिन आई ना, कि ताकि मैं जल्दी से पहुंचूं, पूरा दिन हूं मेरे पास. एंड हार्डली 50 मिनट्स की फ्लाइट होती है फ्रॉम कैलकटा, 51 आवर, इससे ज्यादा की नहीं होती है. तो बाय 8 o'clock और 8:30 आई विल बी देयर. सो दैट वाज, ऐसे कैलकुलेट किया था मैंने ना. तो आई टोल्ड हर प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड दैट, लाइक या आई विल सी व्हाट आई कैन डू. तो क्या वो कर सकती थी? सुनो, एटीआर में हमेशा इंजीनियर भी जाते हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो होता है ना, उस फ्लाइट में जाते थे हमेशा. सो आई टोल्ड हर कि Inside the cockpit, there is one seat for the pilot as a like first officer and captain. 2 seats होती हैं इनकी. एक और seat होती है जो कि observer seat होती है. उसमें मैं travel नहीं कर सकती because I am not in the uniform and also I am not the cockpit crew member of the cockpit crew. But Amy travel कर सकता था उसमें. ठीक है, तो एक seat थी available जिसपे वो बैठ सकता था. अगर वो वहां बैठ जाता तो मैं cabin में उसकी seat में चले जाती, which was a passenger seat. सो आई टोल्ड हर प्लीज आप उसको बोल दो. अब उसमें एक और कंडीशन आ गई कि वो तभी बैठ सकता है कॉकपिट के अंदर अगर उसने अपना BA टेस्ट करा हो, ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट वो करा हो, तो ही वो जा सकता है. सो आई टोल्ड हियर आई एम टेलिंग हर प्लीज कॉल हिम एंड कोऑर्डिनेट विद हिम. टाइम बहुत कम रह गया था, यू नो, क्योंकि आपको डोर क्लोज करने होते हैं, फिर आपने हैंड ओवर लेना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो अगर आप कहो कि अगर हाफ एन आवर है, बहुत टाइम है, तो बहुत टाइम नहीं है आपके पास. सो आई टोल्ड हर प्लीज टॉक टू हिम, प्लीज वो करके कुछ करो. समहाउ आई गॉट द नंबर ऑफ द पायलट. आई स्पोक टू हिम कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, एमी के अंदर बैठ सकता है कॉकपिट में आपके साथ. कॉकपिट इज वेयर द पायलट सिट्स, बाय द वे, जो पायलट जहां से चलाते हैं ना, फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट, दैट एरिया इज कॉल्ड कॉकपिट. मैंने कहा कि आप वो वहां बैठ जाएगा, इज इट ओके विद यू? ही सेड फाइन, ओके, यू नो. एंड दिस लेडी, बिकॉज शी हैड द नंबर ऑफ द, और इन द NIST सिस्टम शी कैन फाइंड इट आउट. आई एम नॉट इवन फ्रॉम द कैलकटा बेस, आई एम फ्रॉम दिल्ली बेस. आई डोंट नो एनीबडी इन कैलकटा, आई डोंट इवन नो पीपल इन दिल्ली ऑल्सो. ग्राउंड स्टाफ में बहुत कम लोगों को मैं जानती थी. तो मैंने कहा प्लीज कैन यू स्पीक टू हिम. एंड दिस लेजी पर्सन,
ओ माई गॉड, यू नो यू कैन सी, आपको एक होता है ना अर्जेंसी, आपको बॉडी लैंग्वेज में पता चलती है. शी वॉज लीस्ट बॉदर्ड एंड आई एम टेलिंग हर अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो एनी वन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली डिपार्चर. एंड आई आस्क हर ना, आई आस्क हर ऑल्सो कि इज देयर एनी अदर डिपार्चर. येस टुमारो मॉर्निंग, दैट वॉज अर रिप्लाई. एंड मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मन तो करा उसको मुंह तोड़ दूं मैं, बट नहीं कर सकती थी मैं. सो I was requesting her, please, 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 please. And you know, एक वो होप होती है ना कि नहीं मुझे मिल जाएगी फ्लैट, मिल जाएगी. एंड इतना आलस था ना, और टाइम निकल गया वो बंदे को जब तक उसने इन्फॉर्म किया, क्योंकि उसने वापस बेस जाना होता, बहुत एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है, एरियाज बहुत, तो जब तक वो आना जाना करता लेट हो जाता डिपार्चर के लिए. एंड मैं ऑफलोड हो गई उस फ्लाइट से. ओ गॉड, आई कांट टेल यू, आई कॉन्ट टेल यू. मुझे इतना रोना आया ना, और मैं रोई भी वॉशरूम में जाके, उतना गुस्सा भी आया ना. एंड आई वाज लाइक, यार पागल हो गया तुम, मैं तुमको, देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ सोल्यूशन एंड यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन द सोल्यूशन. आई वॉज टेलिंग यू कि इसको बोलो बोलो बोलो, बिकॉज ऑफ योर आलसपन, ठीक है, मैं ऑफलोड हो गई. एंड नेक्स्ट डिपार्चर एंड देन आई वेंट टू हर कि इज देयर एनी वे आई कैन गो, या द डिपार्चर, नेक्स्ट डिपार्चर इज टुमारो, सो टुमारो यू कैन गो. टुमारो बहन मेरी 4 दिन की छुट्टी है, एक दिन मैं कैलकटा में क्या करूंगी मैं. देन वॉट आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, जेट की तो फ्लाइट उड़ गई ना, बाकी फ्लाइट्स तो हैं, बाकी एयरलाइंस तो है, टिकट खरीद लूंगी मैं फुल फेयर में और उससे ट्रैवल कर लूंगी. मैं इंडिगो के काउंटर पर गई, मैं एयर इंडिया के काउंटर पर गई, मैं और कौन सी थी, स्पाइस जेट के काउंटर पर गई. सब जगह फ्लाइट्स वर फुल, या तो डिपार्चर हो चुका था या जो होने वाला है वो भी फ्लाइट फुल थी. एंड यू नो डिस्क्लेमर, आई एम नॉट जनरलाइजिंग ऑल ग्राउंड स्टाफ, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी, वी आर टीम, वी आर ऑल द सेम, यू नो वी आर वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, सो आई एम नॉट जनरलाइजिंग दैम. बट दैट वन पर्सन ना हु मेड माई डे, ऐसा वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ ना, उसको तो इतनी मैं बदवा देती हूँ ना सच में. मेरे को बहुत गुस्सा आता उस चीज़ को सोच के ना, बिकॉज मैं रात से बैठी हुई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, मैंने सोचा कि चलो मैं अभी पहुंच जाऊंगी, एंड उसने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया. एंड आई डो, आई विल नॉट से कि इट वॉज नॉट हर फॉल्ट, इट वॉज हर फॉल्ट बिकॉज शी वुड हैव डन समथिंग, बट देन बिकॉज ऑफ अ आलस, लेजी पना, उसने नहीं किया. फिर देन आई स्पोक टू माई हस्बैंड कि दिस इज वॉट हैपन. सो पहला उसका रिप्लाई यही था, डू वन थिंग, यू गो बैक, तुम वापस चले जाओ दिल्ली, बेकार में ये दिन निकल जाएगा, फिर वहाँ होंगे तो 2 ही दिन रह जाएंगे, वाई यू आर मतलब वेस्टिंग टाइम एंड मनी एंड एनर्जी, यू नो बेकार में थक जाओगे वो सो. एंड आई वॉज लाइक नो, आई एम गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू मीट यू नो मैटर वॉट. एंड यू नो वॉट, डिस्टेंस में यही होता है, आपको अगर 2 दिन भी मिले या 1 घंटा भी मिले वो भी बहुत होता है, यू नो. एंड आई वॉज गोइंग टू मीट हिम आफ्टर लाइक 4 मंथ्स और 3 मंथ्स समथिंग लाइक दैट. आई लाइक नो, आई एम कमिंग, आई डोंट नो हाउ बट आई एम कमिंग टू मीट यू, यू नो. एंड आई वॉज वेरी एडमिट अबाउट इट. सो इज लाइक ओके फाइन, उसने गुवाहाटी से कर लो, गुवाहाटी से मैं ट्रेन बुक कर देता हूँ, ठीक है, ट्रेन से आ जाना वहाँ पे डिब्रूगढ़. मैंने कहा चलो ठीक है. मैं गई वहीं पे काउंटर में, तो ये देवी मुझे बताती है कि जो जेट एयरवेज की गुवाहाटी की फ्लाइट थी वो तो टेक ऑफ कर चुकी है या फुल है, जो भी समथिंग लाइक दैट. मैंने कहा तुम तो किसी काम की नहीं रहना दो. देन आई वेंट टू अनदर काउंटर, फिर देन मैंने और एयरलाइंस का पूछा, फिर मैंने इंडिगो में पूछा. सो इंडिगो में शी टोल्ड द क्रू ग्राउंड स्टाफ, दे टोल्ड मी कि एक फ्लाइट है, मतलब सीट है अवेलेबल 12 बजे की है, ठीक है. मैं वहाँ पे 8-9 बजे करीब ऐसे भाग रही हूँ, वो कह रहे हैं 12 बजे हैं आफ्टरनून में, और रात के 12 बजे से, पिछली रात के 12 बजे से मैं जगी हुई हूँ, ठीक है. तो ये तो हो गया है ना. सो मैंने कहा अच्छा ओके फाइन, आई वेट. मैंने टिकट ली एंड आई एम वेटिंग, ठीक है, वेटिंग एट द एयरपोर्ट, लुकिंग एट पीपल गोइंग एंड कैचिंग देयर फार फ्लाइट, इंजॉइंग देयर ट्रैवल टाइम. एंड हियर आई वॉज इन सच अ बैड स्पेस ना मेंटली, बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा एक एक घंटा वेस्ट हो रहा है, एक एक मिनट वेस्ट हो रहा था. यहाँ पे मैं डिब्रूगढ़ पहुंच गई होती, मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ होती, यू नो यू स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल ऑफ दैट एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम. एंड यू नो यू हैव ओनली 4 डेज का छुट्टी, जिसमें एक दिन तो चला गया, ठीक है. मुझे बहुत रोना आ रहा, माई हस्बैंड वाज ऑल्सो कॉलिंग मी एंड आई वाज शॉटिंग एट हिम बिकॉज पुअर गाय, कोई था नहीं ना, मैं किसको चिल्लाऊं, अपनी अपना दर्द किसको बताऊं. तो देन अमेजिंग प्रॉब्लम ये कि मेरा एंगर से जो भी मेरे इमोशन ज्यादा अच्छे से व्यक्त होते हैं, सो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग, दैट इज व्हाट आई एम गुड एट. सो आई वाज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड यू, सो एंड आई वाज क्राइंग एंड पीपल आर लुकिंग एट मी, यू नो इट वाज सो फिल्मी, दे मस्ट हैव बीन थिंकिंग इसका ब्रेकअप हो गया है, कुछ हो गया है, ये इतना क्यों रो रही है, नो बट दे डोंट नो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू. एंड देन फाइनली मैं बैठी फ्लाइट पे, मैं पहुंची गुवाहाटी, गुवाहाटी पहुंच गई. उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरी ट्रेन है वो रात के 8 बजे की ट्रेन है. ओके, मैं कहा फाइन,
अब रात के 8 बजे की ट्रेन है, उसके बाद क्या कहते हैं, मैं नेक्स्ट डे 4 o'clock इन द मॉर्निंग आई विल रीच. सो आई वॉज स्टिल आई वॉज टायर्ड, स्लीप डिप्राइव थी मैं, ठीक है, ढंग से कुछ खाया नहीं था, इमोशनली भी बहुत एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी थी मेरी रो रो के. तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसी हो रखी थी कि क्या है, कितना, मतलब क्यों मेरे साथ, वाई मी वाला फीलिंग. मैं पहुंची, माय हस्बैंड, उसने एक गेस्ट रूम बुक कर रखा था, तो मैं वहाँ चली गई. मैंने वहाँ पे सोई, ठीक है, फिर उठी, अपने ट्रेन में बैठी. मैंने कहा चलो अब तो मैं फाइनली पहुँचने वाली हूँ. बैठी, चली, ठीक है, अराउंड 4 o'clock मैंने अलार्म लगा रखा था, तो अराउंड 4 o'clock आई गॉट अप एंड आई एम लाइक, मैं बाहर देख रही हूँ कि ट्रेन रुकी हुई है, मुझे लगा पहुँच गए शायद. देन आई लुक्ड आउटसाइड, ट्रेन रुकी हुई है. नो, इट वॉज नॉट 4, आई थिंक इट वॉज 6 o'clock या समथिंग. मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई थी तो मुझे पता ही चला था. मैं कहा ट्रेन रुक जाएगी, लोग बता ही देंगे ना. तो रुकी हुई थी, तो मैंने कहा कि टाइम तो 6 बज गए हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग. देखा तो ट्रेन रुकी हुई बीच में कहीं पे. बाहर गई तो लोगों से पता चला कि जो आगे वाला प्लेटफॉर्म है या उससे आगे वाला प्लेटफॉर्म है, उसमें जो है ट्रेन जो है पलट गई है. समझ रहे हो आप, ट्रेन पलट चुकी है. दैट इज द रीजन वाई 2 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई है ट्रेन. एंड आई वॉज लाइक नो, यू गॉट टू बी किडिंग मी, मतलब नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे साथ. इतनी पनौती बैक टू बैक, पहली फ्लाइट से ऑफलोड हो गया, फिर दूसरी एयरलाइन में फ्लाइट नहीं की सीट नहीं मिली मुझे, फिर यहाँ पे ट्रेन पकड़ी मैंने तो ट्रेन लेट हो रही है यहाँ पे. सो देन व्हाट हैपन, वहाँ पे एक सरदारजी अंकल थे और 2-3 लोग और, ठीक है, एंड वो बात कर रहे थे. मैंने कहा वो, एंड दे वर प्लानिंग कि वो कोई लोकल जो गाड़ी है ना, जैसे वैन टाइप का होता है ऐसा कुछ होता है, वो लेंगे और उसमें जाएंगे, ठीक है, डिब्रूगढ़ तक, बिकॉज डिब्रूगढ़ पास में था, आई थिंक 2 घंटे की दूरी है ऐसा कुछ था. तो बोले हम ऐसे चले जाएंगे, ठीक है. तो मैंने कहा अंकल मैं भी चलती हूँ आपके साथ. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड आई गेट द कट्स, बट आई वेंट विद देम, अनजान आदमियों के साथ, वो सुनसान से जंगल में. मैं कहा भगवान का नाम लो, चलो, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट माई हस्बैंड, यू नो. एंड मैं बैठी उनके साथ एंड मैंने उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं. मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, इतने ग्रुप ऑफ पीपल सब है यहाँ पे, मिक्सचर, मतलब मेल फीमेल, एंड उस गाड़ी में भी फीमेल्स थी, बट स्टिल यार, मतलब उस असम आई वॉज विजिटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो द लोकल पीपल ऑल्सो ना, मतलब कैसे होते हैं क्या होते हैं. मैंने बस भगवान का नाम लिया, बैठी गाड़ी में. उसमें भी जब बैठी ना, फिर हमें एक और गाड़ी चेंज करना पड़ा, मतलब एक पहले छोटी सी वैन सी थी, फिर उसके बाद छोटी सी बस थी, उसमें चेंज करना पड़ा. दिस सरदार जी अंकल वॉज वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे थे वो. उन्होंने नंबर वंबर भी दिया कि बेटा अभी कभी आओगे तो बताना, ये वो सो. मैंने कहा अंकल. सो जैसे तैसे हम पहुंचे, और जब हम पहुंचने वाले थे ना, वहां मैंने देखा कि क्योंकि ट्रेन की पटरी पास में ही थी, देन आई सॉ कि एक ट्रेन आ रही है. देन आई आस्क्ड कौन सी ट्रेन आ रही है, देन आई गॉट टू नो इट इज द सेम ट्रेन जिसमें मैं आ रही थी. समझ रहे हो आप, वो सेम टाइम पे पहुंची जिस टाइम पे मेरी बस पहुंची. आई वॉज लाइक क्या, मतलब क्या है ये, जो ट्रेन में छोड़ के आई हूं कि मैंने सोचा पता नहीं कब चलेगी, वो पता नहीं कब चलना शुरू कर दिया उसने. एंड इट वॉज रीचिंग ऑन एट द सेम टाइम मेरी यहाँ पे गाड़ी पहुंची, बस पहुंची है, उसी टाइम पे ये ट्रेन पहुंची है. ओ गॉड, मैं तुमको बता नहीं सकती दोस्तों, मेरा इमोशंस, मतलब कैन यू इमेजिन क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में उस टाइम पे. एंड देन व्हेन आई फाइनली मेट माय हस्बैंड, हग वग किया सब कुछ, उसके बाद मैं कमरे में गई और जो रोई और जो चिल्लाई, मेरा एक दिन बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत थक गई, बहुत परेशान, वाई मी, भगवान मेरे साथ क्यों करता है ऐसा, ऑल ऑफ दैट. मैंने सब किया वहां पे. माय हस्बैंड वाज लाइक इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं, अभी तो है हमारे पास टाइम, अभी इंजॉय करते. नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं ऑल ऑफ दैट. बात किया मैंने, बहुत रोना, गाना किया मैंने. यार आज समझो मेरी बात, कहाँ से आ गई मैं, मैंने मतलब लिटरली एक दिन से ज्यादा मेरे टाइम सिर्फ ट्रैवलिंग में वेस्ट कर दिया, समझो, इस ऑफलोडिंग के चक्कर में. यार मतलब मैं तो कह रही भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, कभी कोई ऑफलोड ना हो, यार बहुत परेशानी होती है इसमें, ठीक है. पीपल माइट ऑल मे पीपल ऑफन थिंक कि अच्छा कैबिन क्रू को तो बड़े आश है, इनको बड़े आसानी से फ्लाइंग का फ्री टिकट मिलता है, ये मिलता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. एंड ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, मतलब दैट वॉज द ओनली टाइम कि जब मैं ऑफलोड हुई, उसके बाद मैंने ट्रैवल किया है, बट दैट वॉज द ओनली टाइम. बट यार इट वॉज सो बैड, इट वॉज सो 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 बैड. एंड आई क्राइड सो सो सो, मैं आंखें ऐसी फूल गई थी ना. एंड देन इवनिंग में हमें किसी से को मिलने जाना था, किसी ने इन्वाइट कर रखा था डिनर में, और मेरी आंखें ऐसे सूजी हो गई थी.
सोच रही पिटाई पिटाई तो नहीं करी इसकी, इतना क्यों आगे सोची हुई है, बट यार बेसम बहुत, दिस इज लाइक इवन नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट ना, मुझे हंसी से ज्यादा ना मुझे अभी भी रोना आता है. होता है ना लोग कहते हैं अरे देखो अभी तो तुम दुखी हो रहे हो, आगे जाओगे फिर यू लुक बैक देन यू विल लाफ एट इट. नो आई कांट. सो दिस इज वॉट हैपन टू मी गाइज, एंड यू माइट बी लाफिंग एट मी राइट नाउ कि सो फनी, बट इट वॉज नॉट फनी, इट वॉज नॉट एट ऑल फनी. So yeah, that's pretty much about this story time, this video. I really hope that enjoyed my pain, watching me in pain. And I hope you liked the video all in all. And this was an experience which I thought ki worth sharing, that yeah, this also happens. Yeah, that's pretty much about this video. If you like the video, make sure you give this a big thumbs up. And share, subscribe, write comments in the comment section below if the same thing happened to you. Kabhi aisa kuch hua hai, toh please share your story also. I would love to read it. And I shall be back hopefully soon with another video. And that's all for today. I shall see you in my next one. Take care.